Press the bell icon and never miss any updates from Telereporter. अब क्या पूछना चाहेंगे, पहले पूछो आप। कितने एक्साइटमेंट है आप? वेरी एक्साइटेड यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम कि ऐसा मर्जर हो रहा है डिजिटल फिल्म एंड टेलीविजन वर्ल्ड में। एंड सो काइंड ऑफ बरखा, ये बेचारी बहुत नर्वस है अभी, इनको जाके मैच खेलना है एक, उसके बाद भी यहाँ पे प्रेस के सामने खड़ी है, इंटरव्यू दे रही है। द सीरीज इज़ कॉल्ड कपल ऑफ मिस्टेक्स, एंड सारे कपल्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते ही हैं, और कपल कम भी मान सकते हैं और ज़्यादा भी मान सकते हैं। तो आपकी जैसे कपल ऑफ मिस्टेक्स क्या होती हैं बरखा? मेरे कोई मिस्टेक्स नहीं होती यार, बीवियाँ हमेशा करेक्ट होती हैं, मिस्टेक्स हमेशा हस्बैंड्स की होती है। जो आप देखेंगे भी हमारे शो में, हमेशा करण नहीं, अश्विन, एक्चुअली जो अश्विन है, अश्विन सारी गलतियाँ करता है, और मीरा मीरा इज़ अ गुड वाइफ। तो कपल ऑफ मिस्टेक्स इज मोर अबाउट यू नो स्लाइस ऑफ लाइफ, टंग इन चीक अबाउट हस्बैंड वाइफ बेडरूम कॉमेडी। तो हम बेडरूम से बाहर भी निकलेंगे, ऑफकोर्स हम अपने अगले एपिसोड में गाड़ी में भी घूम रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। एंड इट्स ऑन यूट्यूब, लॉन्चिंग टुमारो, विच आई एम वेरी नर्वस अबाउट। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर एंड सपोर्टिंग दिस कॉज। हॉट स्टूडियोज, हॉट स्टूडियोज, यू आर ऑल हॉट। एंड दिस इज माय टीम, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय टीम ऑल्सो नाउ। सारे यंग लड़के हैं, मोस्ट ऑफ देम आर, दे हैवंट वर्क विद प्रोफेशनल एक्टर्स बिफोर, राइट आउट ऑफ कॉलेज। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर से शुरू करता हूँ। हमारा डायरेक्टर है, ये उम्र में वैसे छोटा लग रहा है और वैसे भी छोटा है, हिज नेम इज शुभम, ही इज़ द डायरेक्टर एंड एडिटर ऑफ द सीरीज। एंड देन वी हैव आर DOP हु इज अक्षय, ही इज़ द वन हु इज हैंडल्ड यू नो द आई बिहाइंड द कैमरा। एंड अनुज, ही इज़ द गाय हु इज गिवन म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर फॉर द सीरीज। तो अभी ऑफकोर्स आप काम नहीं देख पाएंगे क्योंकि कल लॉन्च होने वाला है, थोड़ा सा हम स्निपेट चलाने वाले हैं अंदर, जिसमें पता लगेगा आपको कि किस बारे में है, लेकिन दिस इज द टीम एग्जैक्टली। तो कैप्टन ये है शिप के, छोटी सी टीम है हमारी, बट और प्लेयर हम दोनों हैं, पावरफुल टीम। या अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कपल ऑफ मिस्टेक्स, अगर बात करें तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कोई मिस्टेक्स है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सारी जो है वो हमारी लाइफ की तो है। हाँ, जो भी एपिसोड्स देखेंगे वो या तो करण की लाइफ की है या मेरी लाइफ की है। जो मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी कुछ आई थिंक आपको देखने को मिलेंगी। तो मतलब एक कोई मिस्टेक पूछना इज़ लाइक क्या बोल सकते, मतलब जब शादी के बाद तो हज़ारों मिस्टेक्स होती है, सो वो होती रहेंगी हमारे एपिसोड्स में, आप देखते रहेंगे। सारी मिस्टेक्स हस्बैंड्स की होती है, जितनी जल्दी ये मान लिया जाए उतना अच्छा, उतना अच्छा है शादी के लिए। अच्छा, कल ये वैलेंटाइन डे गए और आज आपने मिस्टेक कर दी, तो क्या कहेंगे? ऐसा मैंने प्लान था कि वैलेंटाइन डे के बाद ही लॉन्च कर रहे हैं या फिर
इन केस यू एफ अप योर वैलेंटाइन दिस इज द टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो दैट्स द रीजन अगले दिन. हाँ हाँ तभी मैं एफ रखते हुए दिस इज द टाइम टू मेक अप फॉर इट. नहीं एक्चुअली आई थिंक इट इज द यू नो द हफ्ता है वाला. इट्स अ वीक इट्स अ मंथ ऑफ लव. सो ऐसा नहीं है कि मतलब अश्विन और मीरा सिर्फ लड़ाई करते हैं, बहुत प्यार भी है हम दोनों में. सो दैट्स व्हाई वी चोज दिस मंथ आई थिंक बिकॉज इट्स जस्ट द मंथ ऑफ लव. एंड आपको असली अश्विन से मिलाना बहुत जरूरी है जो यहीं पर है. असली अश्विन इज हाइडिंग समवेयर. नील इज द असली अश्विन जिनसे हम इंस्पायर होके स्टोरीज बना रहे हैं और बहुत सारा कॉन्टेंट और एमिनेशन मुझे इनसे मिलता है. तो असली असली आदमी जो आप देख सकते हैं द रियल हस्बैंड. द रियल हस्बैंड इज हियर. एंड नील क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी हमने इतनी सारी हमारी लाइफ से काफी इंस्पायर्ड है. इनकी नहीं है यार, हमारी भी है. सबसे पूछो आपकी भी, आपकी होगी शादी? सब पतियों की है. आपकी होगी ना? आपसे भी लूंगा थोड़ा. तो आप जब भी ये सब पतियों की कहानी है. सो या तो हम जब भी आते हैं टॉपिक भाई ट्रक हटवा दो यार, बड़ा गंदा लग रहा है. सॉरी. जब भी हम आते हैं करण से मिलने कभी साथ में तो करण यूजुअली मुझे देखता रहता है, घूरता रहता है. तो मुझे लगता है अजीब सा लगता है ना कोई घूर रहा है आपको. उसने मुझे बताया कि नहीं मैं तुम लोगों को नोटिस करता हूँ और देखता रहता हूँ क्या इक्वेशन है क्या है, वहाँ से स्टोरीज कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. एक सहमा सा इंसान अगर दिखे आपको, आपको सपोर्ट करने का, आपको सपोर्ट करने का मन करेगा कि अभी भी मतलब बड़ी दूर से बुला के लाना पड़ा कि नील असली अश्विन कहाँ पर है? तो ये आना है, मुझे ही बुलाया जा रहा है. अच्छा वाइफ इज सेइंग कम. तो ये सब चीज़ें मुझे ऑफकोर्स रियल लाइफ कपल्स जो हैं उनसे मैंने सीखी हैं, इनसे काफ़ी सीखी हैं. एंड बरखा इज बीन I don't know if she'll take it as a compliment. She's been natural in this. Natural. Excuse me. और ये बच्चे हैं हमारे, इनसे भी प्लीज कुछ पूछा जाए. शुभम फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग प्रोफेशनल एक्टर्स आउट ऑफ कॉलेज, कैसा लगा आपको दो स्टार्स के साथ काम करके? नहीं झेलना कुछ नहीं पड़ा. ऑलरेडी हम लोग को इतना ज़्यादा मिल गया एक्सपीरियंस की शादी के बाद, जो जो मिस्टेक्स ना हो पाए हम लोग से वो कोशिश करेंगे. और बचपन से सपना था वर्खा मैम के साथ और करण सर के साथ काम करने का. बचपन से माय गॉड मैं नहीं छोड़ूंगा. हाँ मुश्किल तो थोड़ा हुआ तो करण सर के साथ वक्त बिताने से, वर्खा मैम के साथ वक्त बिताने से. ये बोल नहीं रहा तो बोल देता हूँ, इसको मुश्किल नहीं हुआ, इसको क्लासेस इतनी मिल गई है क्योंकि इसकी एक नहीं तीन तीन चार चार कैमरा पता लगने वाला है. तो अब वो हाँ मतलब सब एक्सपीरियंस मिल रहा है इसको. थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल रहा है. बहुत डिफरेंट है. नहीं बोले बोले कौन बोलेगा पहले? तुम बोलो डायरेक्टर. हाँ मैं. अच्छा डायरेक्टर मैं बोलूँ. बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये स्केच है और काफ़ी मोर रियल है. मतलब रियल लाइफ की स्टोरी आप वेब पे दिखा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Major difference over here is that it is a merger like this has never happened between digital film and Bollywood. They don't like to say it, but of course Hindi film industry, television or digital ka pehla mission dekhne ko milega. Aapke bahut sare mere hamare in fact film friends hain jinhone support kiya hai. Right. They've seen me in other web series and they knew that something good is going to come up. That's why. हॉट क्या है ये कल सबको पता लगने वाला है और ये बहुत ही अलग होने वाला है. या वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी तो हमारा शॉर्ट आउट चल रहा है ना, आप अपने चैनल से हमें शॉर्ट आउट करो. वही हमारा DOP है, इससे भी पूछ लो. सबसे पहले तो इसको हमने डरा के रखा हुआ था. His name is अक्षय. अक्षय would you like to say something about this? What? शूटिंग के दौरान. वेल बहुत नया एक्सपीरियंस एक्चुअली जो इनका एक्सपीरियंस है लाइक इट वो हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जिन जो जिस लेवल पर इन्होंने काम किया है. थोड़ा नर्वस हुआ एक्चुअली. तो यूजुअली कैमरा के बिहाइंड रहता तो कैमरा आगे आगे बोलना तो थोड़ा सा अलग फील होता है. तो या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. और क्या बोलूँगा हमारे शूटिंग के समय एक्सपीरियंस एक्चुअली करण और मैं एक दूसरे का बहुत सालों से जानते हैं. मतलब बहुत सालों से. आई थिंक जब मेरी शादी नहीं भी हुई शादी नहीं हुई थी ऑलमोस्ट हुई थी. मतलब तब से जानते हैं, मतलब बहुत साल हो गए बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. सो वर्किंग विद हिम वॉज वेरी कम्फर्टेबल यू नो. एंड आई थिंक बहुत छोटी टीम है, जैसे आप देख सकते हैं हम चार लोग हैं जो शूट करते हैं. तो हम हमेशा हंसते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. और यू नो हम शूटिंग से टाइम से पहले पहुंच जाते हैं. करण के घर में सब बैठकर चिल करते हैं. शूटिंग खत्म होने के बाद उसके घर में बैठे रहते हैं. सो इट फील्स लाइक होम. इट्स वेरी कम्फर्टेबल. इट्स अ लॉट ऑफ फन. इट्स लाइक अ फैमिली फीलिंग. हाँ है ना.
एंड वेरी डिफरेंट, जो हम नॉर्मल अपने जो डेली सोप्स करते हैं उससे बहुत अलग है, क्योंकि वैसे वो इतना काम का वो प्रेशर नहीं रहता एंड हम कुछ इतना रियलिस्टिक करते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम हमारे पास डायलॉग्स भी नहीं होते, हम मैं और करण मतलब जो मन में आता है बोल देते हैं, मतलब जैसे लाइक रियल हस्बैंड वाइफ हम सिचुएशन क्रिएट करके कुछ भी बोलते हैं, सो वी आर एक्चुअली वेरी रियल, सो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई हैव डन बिफोर. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये करण का फर्स्ट उसकी प्रोडक्शन हाउस का पहला एक How cheap of you, Karan. हाँ जी, तो जो ये है उसका फर्स्ट प्रोडक्शन का एक नया सीरीज़ है द कपल ऑफ मिस्टेक्स, सो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने अपना एक नया कुछ शुरुआत की है. सब नहीं, मैं कोई मिस्टेक करती नहीं हूँ. आपको लगता है मेरी लाइफ में ऐसी कोई मिस्टेक हुई आज तक? नेवर. यार मुझे नहीं पता कोइंसिडेंस और ये, बट हाँ इतना है कि मतलब कपल ऑफ मिस्टेक्स है तो वो वैलेंटाइन डे के दिन ही होना चाहिए था, बट इट्स अ नाइस थिंग. अभी देखते हैं कितनी मिस्टेक्स किए करण ने अपनी लाइफ में, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी मीरा एंड एंड अश्विन. कॉस्ट्यूम क्या है? मतलब इट्स अ ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस, और इट्स अ लॉन्च, तो मैं लॉन्च की तरह तैयार हो गई, रिबन कटिंग के लिए तैयार हूँ मैं. मैं खुश रोज़ होती हूँ और तो मुझे रोज़ नहीं मिलते इसीलिए, बट आई एम हैप्पी ऑल द टाइम. हाँ फिल्म आ रही है सबको पता है, बस बहुत अच्छा चल रहा है. मैं डायरेक्ट बीकानेर से आई हूँ, ये सबको मैं बताना चाहती हूँ करण के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं. अभी इनका हम स्टार कास्ट देखते हैं, ठीक है? या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच गाइज. मैं कहना चाहूँगी कि एक्चुअली सब लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं एंड एवरीवन इज हैज़ मूव फॉरवर्ड, दे आर ऑल वर्किंग, दे आर ऑल बिजी, तो गेट टुगेदर का ऐसे टाइम मिल नहीं पाता है. ऑल्दो हम ट्राई करते हैं कि हम मिलें, बट एक साथ सब नहीं मिल पाते. सो आज बिकॉज ऑफ हॉट विद अ डबल टी we all have got this opportunity to come together and we are here for Karan, for Barkha, for their new venture, so like we all are there to pump them up, to wish them all the best. So yeah, ye bilkul sach baat hai and I think ki bahut acche se Karan aur Barkha dono log is baat ko dikha payenge ki couples mein actually kitni problems hoti hain, so jo ki I think it exists in every couple but koi I think discuss nahi kar pata hai, so by this medium सब लोग ऐसे कहेंगे हाँ ये तो ये होता है हम लोग के साथ, सो दिस इज़ व्हाट हैपन, सो इट्स एक्चुअली कपल बाय मिस्टेक, लेट्स सी. मैंने भी एक्चुअली अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है, तो आई एम माई सेल्फ वेटिंग वेरी ईगरली कि क्या होता है, सो आई एम वेटिंग फॉर टुमारो. करण का फनी साइड जो कि आई थिंक ही इज़ वेरी वेरी गुड एट इट, उनका ह्यूमर, उनका आई थिंक ही इज़ वेरी गुड विद हिज टाइमिंग एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने एकदम सही चीज़ की है, अपना जॉनर पकड़ा है एंड ही इज़ गोना बी एंड ही इज़ वेरी क्रिएटिव विद हीज़ आइडियाज़, कि उनके दिमाग में एक्चुअली जोक्स भी बहुत, हम लोग जो सोच नहीं पाते वो उनके दिमाग में आ जाता है, सो या ही इज़ वेरी वेरी गुड विद इट, सो आई थिंक बिल्कुल सही पकड़ा है उन्होंने, बिल्कुल सही चीज़ स्टार्ट किया एंड इज़ गोना बी वेरी नाइस. That's a question जो मैं अपने आप से भी पूछ रही हूँ, but as of now I'm doing a web series, तो मैं टेलीविजन पे तो नहीं but by like via web मैं लौट रही हूँ in March, I think the date is still not finalized, so it's a Vikram Bhatt's web series called Unafraid that I'm doing and I have been keeping quiet till now. But I think it's now it's the time for you people to know that I am doing something. Yes, actually it is because I think 2 years back there was not this much of eagerness about doing web series and watching web series, but since last 2 to 3 years I think I myself as an audience have started enjoying it, watching it and exploring it, so like Netflix, Amazon and now it's VB on the web, it's all Balaji, so I think yes, the next generation will be about web series. All my fans, you know how much I love you, so just keep giving all the love that you have. Although my show has been off air since like 1 year now, but still your love is still the same, so thank you for appreciating me, loving me and thank you for being so patient and I will be back very soon for you all. I love you. मैं बहुत excited हूँ क्योंकि आज मेरी second night है बैरल में और मैं दूसरी बार perform कर रहा हूँ आज, और आज के लिए मैंने कुछ special set of songs रखे हैं, कुछ सूफ़ी और कुछ नए और कुछ पुराने और सबको कुछ different style में गाने वाला हूँ. तो आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड एंड काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो उनके बीच में परफॉर्म करने का मजा ही लगे क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत स्क्रीम करते हैं, शाउट करते हैं, तो आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द नाइट. जी नो नो, आई हैव कम हियर लॉट ऑफ टाइम्स, दिस इज माई सेकेंड परफॉर्मेंस. डेफिनेटली बैरल मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अनिल भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं एंड आई थिंक क्योंकि मेरी सेकेंड नाइट इसलिए भी है क्योंकि ये लोग मेरे घर जैसे हैं, बैरल इज़ माई सेकेंड होम और मुझे बैरल बुराता रहता है यहाँ पे, और परफॉर्मेंस के लिए भी
तो आई थिंक आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड. और बैरल बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पे अंधेरी में. आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस विच इज डूइंग सो गुड एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर माई ब्रदर्स ऑल ऑफ देम. आई थिंक सारे कपल्स में ही बहुत सारे मिस्टेक्स होते रहते हैं एंड दैट्स हाउ वी ऑल आर ह्यूमन बींग आर. एंड कुछ इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज तभी बनती है जब बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं. तो इनकी भी उनमें से एक होगी एंड आई एम श्योर कि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी. आई थिंक सभी के होते हैं और आई डोंट नो शेयर करने लायक है या नहीं बट बहुत सारे मिस्टेक्स होते रहते हैं और इट्स नॉट इवन ओनली इन कपल्स. कोई भी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट डूइंग मिस्टेक्स एंड रियलाइजिंग देम. सो मतलब आदमी तो सीखता है ना, गलती से ही सीखता है. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगा प्रोमो देख के. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो. जी हमारा ऑलरेडी मैंने और कुणाल ने ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ प्रोड्यूस किया है जो कि हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं. एंड मुझे लग रहा है कि दिस इज़ गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेब. डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अभी आगे बढ़ गई है. जैसे टेलीविजन था एक टाइम पे, वैसे ही उतना ही पॉपुलर और उतना ही डिमांड में आ रहा है वेब. तो दिस इज़ गोना बी द फ्यूचर. ऐसे 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 कर रही थी कुछ. सो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने तो कभी ऐसे देखा था और बाद में रातों रात बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ जो होती है वो आँखों को अच्छी लग जाती है और क्लिक हो जाती है. सो या इट वॉज इट्स जस्ट आई थिंक डेस्टिनी. थैंक यू. बिल्कुल नहीं, मिस्टेक्स तो कहीं से भी नहीं. बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी है एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू करण एंड वर्खा. आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम हियर एंड अभी तो बस शुरुआत है. दे विल हैव एन एक्सेलेंट लाइफ. बॉन्डिंग बस अभी बहुत न्यू है, जस्ट शुरुआत हुई है बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस टीवी इंडस्ट्री एज ऑल ऑफ यू नो. सो बिल्कुल एक्चुअली मैं भी इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि कुछ भी पहले से कुछ बोल देती हूँ ना तो कुछ उल्टा ही हो जाता है. एज़ ऑल यू नो कि मेरा चिड़ियाघर भी शुरू होने वाला था एंड देन समथिंग हैपेंड. सो जब शुरुआत हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली यू पीपल विल गेट टू नो. आई नो. हम भी बहुत ट्राई कर रहे हैं वैसा उस टाइप का इतना सेंशुअस लुक देने में. काफ़ी टाइम मैं मतलब सक्सेसफुल भी हुई थी बिकॉज मेरे आजू बाजू के लोग बोले कि बहुत अच्छा की. बट हैट्स ऑफ, शी वॉज रियली ग्रेट. सीरियसली बहुत मतलब बहुत छोटी है एंड स्पेशली मुझे लगता है शी वॉज वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, उसमें वो और भी ज़्यादा मतलब हॉट लग रही है एंड रियली अमेजिंग एक्सप्रेशन. आई वुड लव टू यू नो टू दैट काइंड ऑफ थिंग. थैंक यू. क्या कहना चाहूँगा, ये बोल रहे हैं कपल ऑफ मिस्टेक्स. ऐसे जो कपल मिस्टेक्स ना करे वो कपल कपल ही नहीं होता. और ये वो सब चीज़ें दिखाएंगे जो कपल यू नो अंदर घर पे मिस्टेक करते हैं पर बाहर किसी को बोलते नहीं है. दे डोंट एक्सेप्ट इट. ये सब अंदर की चीज़ें बाहर दिखाएंगे, है ना. तो पूरी एंकरिंग कर जाता है ना, छोड़ता नहीं है, पूरा ले रहा है कि नहीं, है कि नहीं. अरे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है भाई. कौन ऐसा यू नो मैरिड कपल है जिसके घर के अंदर मिस्टेक नहीं हुई होती है. वी ऑल डू मेक मिस्टेक्स एंड दैट्स व्हाई यू नो इट्स ओके. इसमें कोई बुरा यू नो नॉट टू फील एम्बैरस्ड. अरे कुछ कभी तो नहीं देगा. नॉट टू फील एम्बैरस्ड बट वी ऑल डू मेक मिस्टेक्स एंड एक्सेप्ट करो, उसे सुधारो एंड ऑलवेज सरेंडर. Or tell your wife, I am sorry. Pata nahi, let's see. I am meeting people. Jahan se mujhe calls aa rahe hain and I'm meeting people. If things work out, I don't mind. But if something is interesting, only then. Raj Singh Arora, Pooja Gaur, and this is Gaurav Bajaj. He's our friend, director and a producer. So we all, jaise ki aap sab jante hain, humne ek music video kiya hai. जिसका नाम है लव इज़ इन ब्लाइंड वैलेंटाइन स्पेशल के लिए. और इस म्यूज़िक वीडियो की खासियत ये है कि ये एक असली के कपल हैं, ज्योति और संतोष, उनके ऊपर बेस्ड है. तो ये ज्योति हैं, मैं संतोष हूँ और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी. और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं, आज मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये इतना प्यारा म्यूज़िक वीडियो है जो गौरव ने डायरेक्ट किया है और इनकी कंपनी नोटोरियस साउथ पिक्चर्स ने बनाया है. बिग 92.7 FM मुंबई ने इसे रिलीज़ किया है. आई रियली रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ वॉच इट एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बिकॉज दिस इज समथिंग सो यूनिक, सो ब्यूटीफुल दैट यू मस्ट 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 वॉच इट. एंड आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू टू द टीम ऑल ऑफ अस. थैंक यू. आई डोंट नो व्हाट टू से रिगार्डिंग दिस. आई एम येट टू एक्चुअली सी इट बट यू नो मेहरा इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड. And I've always liked his work and he's really passionate about what he's made and I can't wait to see how everything is going to turn out. I'm very excited for him. Couples of Mistake, right?
वेल आई थिंक जितने कपल हैं मिस्टेक तो होती है, पहली बार जब आप कपल बनते हैं वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ज़्यादातर. सो आई थिंक उसके बाद जो मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक्स करके सब कुछ सही हो जाता है. सो आई थिंक दैट मेक्स गुड. मैं ज़्यादातर आई डोंट नो कि मेहरा ने क्या क्या सोच रखा है, बट मैं इतना जानता हूँ कि उसकी पहली शुरुआत है इस डोमेन में और काफ़ी देर से मेहनत कर रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई होप द मिस्टेक्स ही मेक्स हेयर आर गुड मिस्टेक्स. आई कैन गिव यू अ टेक्निकल डेफिनेशन. पहले मैं पूजा कौर का आंसर सुनूँ कि अपना दूँ? नहीं, आई थिंक क्या हो गया है जो मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ. फिल्में होती थी, टीवी है और अब वेब है. वेब का क्या हो गया कि ज़्यादातर यूथ कॉन्टेंट आजकल आप टीवी पे नहीं देखते. वो इसलिए क्योंकि हम सब के पास फ़ोन है और सारा कॉन्टेंट यू नो फ़ोन पे देखते हैं. सो आई थिंक एक मार्केट खुलता है एंड उसकी खास बात यह है कि आई थिंक यू गेट लॉट मोर डाइवर्स एंटरटेनमेंट. 7 साल पहले जब लोग बोलते थे अरे टीवी पे ये क्या है वो क्या है, अभी आपके पास सब कुछ है और सब कुछ आपके हाथ में आपकी पॉकेट में है. जो आपका मन करे देखे. मे द बेस्ट कॉन्टेंट विन. And I think it's a great thing that's happening. Even I think that, you know, with web becoming so big, it is giving us much more options. देखने के लिए कि क्या क्या, you know, मेरा what are the choices. आज अभी I was just answering. Yes, we'll talk like this. Can we? We can talk like this. Couple of mistakes. अरे मेरे blind पे अरे तुम्हें आकर रास्ता मिल गया. दोनों की दोनों. Thank you so much, guys. हेलो, तुम उनका अच्छे से लेना इंटरव्यू. लो ये मेरा बाय द वे करण मेहरा मेरा कपल ऑफ मिस्टेक. बहुत पहले मिस्टेक हुई थी इसके साथ मिलकर और आज भी ये मिस्टेक मैं झेल रहा हूँ. रुक जा, पूजा दौड़ना है. अश्विन, ओए अश्विन सॉरी. ओके या सो आई आल्सो पर्सनली थिंक दैट यू नो वेब हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग नेटवर्क जहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है. सो या यू कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद व्हाटएवर यू वांट टू एंड देयर इज अ ह्यूज plethora of things that you can see. Karan Veer ki web series launch ho rahi hai, bahut excited hu. Great job aur wo bahut hi talented hain aur main unhe kaafi time se janti hu aur Bartha aur wo log saath mein ek web series kar rahe hain. दोनों अच्छे नाम हैं, दोनों ही सबको पता है कितने फेमस हैं. सो दोनों ही कुछ अच्छा ही डेफिनेटली लेकर आने वाले हैं. तो मैं उन दोनों को बहुत बहुत विशेस देना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर विश करना चाहूँगी. ग्रेट टाइटल. आई डोंट नो अबाउट द स्टोरी मच दो, बट कपल ऑफ मिस्टेक्स तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स से ही रिलेटेड होगा कि आप मिस्टेक्स से सीखते हैं या जो भी व्हाटएवर. सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है कपल ऑफ मिस्टेक्स. सो वी ऑल मेक मिस्टेक्स. सो इट्स गुड टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज यू गेट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. तो क्या हुआ, इट्स गुड प्लेटफॉर्म इफ एवरी वन इज गेटिंग इट. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन. अभी आप ओवर शैडो किसी को नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज अगर एक प्रोड्यूसर आपको नहीं कास्ट करना चाहता है या कहीं से आप बॉयकॉट होते हो तो आपका टैलेंट वेस्ट नहीं होगा. आप उसको दिखा सकते हो, दर्शा सकते हो लोगों को. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी. यू कैन सी सो मेनी गुड टैलेंट्स आर कमिंग अप एंड कमिंग क्रॉस एंड जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे वो लोग उभर उभर के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है. और हमारा इंडिया इज़ रियली ग्रोइंग रियली फास्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस. येस, आई ऑलरेडी हैव अ ऑफिशियल चैनल विच आई हैव लॉन्च ऑन द 29th ऑफ दिसंबर व्हेन इट वाज माय सिस्टर्स बर्थडे. एंड वी आर मेकिंग टुमारो वी आर इन फैक्ट शूटिंग फॉर द प्रोमो ऑफ माई फर्स्ट सीरीज. सो देयर विल बी द सीरीज इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द लाइफ फ्रॉम माई आईज स्ट्रेट टू पीपल. जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज आज तक हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, वो लोगों को आप लोगों ने दिखाया है. अब मैं दिखाऊंगी अपनी आंखों.